दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए जी जान तक लगा दिया। लेकिन भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उन मुस्लिम महिलाओं को याद करेंगे जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई अपनी ताकत, उत्साह और दृढ़ संकल्प साबित किया। इन महिलाओं ने समाज में उन मुस्लिम महिलाओं की रूढ़िवादिता को तोड़ा जिन्हें केवल बुर्का में लिपटा माना जाता है और उन्हें कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। इन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में भाग लिया और विजय भी हुए। नंबर 1, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व करने वाली महान क्रांतिकारी महिला थी। उनका असली नाम मोहम्मद खानून था। उनका जन्म 1820 ईस्वी में अवध के रियासत के फैजाबाद में हुआ था। वह अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। अंग्रेज अवध पर अपना अधिकार करना चाहते थे। अंग्रेजों द्वारा अवध के नवाब वाजिद अली शाह को नजरबंद करके कलकत्ता भेज दिया था। तब बेगम हजरत महल ने अवध रियासत की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कद्र को राजगद्दी पर बैठाकर अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया था। उनमें संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी और इसी कारण अवध के जमींदार, किसान, सैनिकों ने उनके नेतृत्व में अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे। आलमबाग की लड़ाई में उन्होंने व उनके साथियों ने अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया, परंतु पराजय के बाद उन्हें भागकर नेपाल में शरण लेनी पड़ी थी। नेपाल के उस वक्त के प्रधानमंत्री महाराजा जंग बहादुर राणा द्वारा उन्हें शरण प्रदान की गई। उसके बाद बेगम हजरत महल ने अपना पूरा जीवन नेपाल में ही व्यतीत किया और वहीं पर 7 अप्रैल 1879 ईस्वी में उनका निधन हो गया और वहीं काठमांडू की जामा मस्जिद के मैदान में दफनाया गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करते हुए 15 अगस्त 1962 में लखनऊ हजरतगंज के विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर उनके नाम पर रखा गया। 10 मार्च 1984 को भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया। नंबर 2, अबदी बानो बेगम। बी अम्मा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक साहसी राष्ट्रवादी महिला व स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका असली नाम अबदी बानो बेगम था। बी अम्मा का जन्म 1850 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के जिला रामपुर में हुआ था। उनका विवाह रामपुर के अब्दुल अली खान से हुआ था, लेकिन कम उम्र में विधवा हो गई। फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण और शिक्षित किया। उनके 2 लड़के मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, जो अली ब्रदर्स के नाम से भी मशहूर हुए। बानो बेगम ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1917 में जब उनके दोनों बेटों को जेल में डाला गया तो श्रीमती एनी बेसेंट के साथ आंदोलन पर बैठ गईं और अपनी तरफ से एक बड़ी मुक्ति सभा को संबोधित किया और अंग्रेजों के खिलाफ अभूतपूर्व भाषण दिया। 1919 में उनके दोनों बेटों ने खिलाफत आंदोलन का प्रमुख रूप से नेतृत्व किया और उन्होंने भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1920 में गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में धन उगाहने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बी अम्मा अक्सर बसंती देवी, सरला देवी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू जैसी महिलाओं के साथ महिला सभाओं को संबोधित करती थी। वह हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक थी, मगर अफसोस कि बी अम्मा स्वतंत्र भारत न देख सकी और 13 नवंबर 1924 को उनका निधन हो गया। नंबर 3, बी अमातस सलाम। बीबी अमातस सलाम, जो दृढ़ता से मानती थी कि केवल गांधीवादी तरीकों के जरिए अंग्रेजों की गुलामी से आजादी हासिल की जा सकती है, वह 1907 में राजपूताना परिवार के पंजाब में पटियाला में पैदा हुई थी। उनके पिता कर्नल अब्दुल हमीद और उनकी माँ अमातुर रहमानी थी। अमातुस सलाम 6 बड़े भाइयों की छोटी बहन थी। उसका स्वास्थ्य बचपन से ही बहुत नाजुक था। वह अपने सबसे बड़े भाई स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अब्दुल रशीद खान से प्रेरित थी। अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने देश के जनता की सेवा करने का फैसला किया। अमातुस सलाम ने खादी आंदोलन में भाग लिया और अपने भाई के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बैठकों में भाग लिया। वह महात्मा गांधी और सेवाग्राम आश्रम के गैर हिंसा सिद्धांत के प्रति आकर्षित थी। उन्होंने सेवाग्राम आश्रम में शामिल होने का फैसला किया और 1931 में वहां गई। उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और आश्रम के सख्त सिद्धांतों का पालन किया।
अपनी निस्वार्थ सेवा के साथ वह गांधी दंपत्ति के बहुत करीब हो गई और गांधी अमातुस्सलाम को अपनी प्यारी बेटी मानते थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वह गांधी के अनुमति के साथ अपनी बीमारी के बावजूद 1932 में अन्य महिलाओं के साथ जेल भी गई। जेल से रिहा होने के बाद वह सेवाग्राम पहुंची और गांधी की निजी सहायक के रूप में दायित्व को संभाल लिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के अलावा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामंजस्य, हरिजनों और महिलाओं का कल्याण उनकी जीवन महत्वाकांक्षाएं थी। जब सांप्रदायिक दंगे भड़क गए तो उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमांत, सिंध और नौकली क्षेत्रों का दौरा गांधी के राजदूत के रूप में किया। उन क्षेत्रों की स्थिति को सामान्य करने के लिए 20 दिनों तक सत्याग्रह किया। आजादी के बाद उन्होंने खुद को सार्वजनिक सेवा में बदल दिया। उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान नामक एक उर्दू पत्रिका प्रकाशित की। 1961 में जब खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के दौरे पर आए तो उन्होंने उनके निजी सहायक के रूप में उनके साथ यात्रा की। नंबर 4, हाजरा बेगम। हाजरा बेगम जिन्होंने राष्ट्र को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश के मेहनतकश जनता के कल्याण के लिए काम किया। उनका जन्म 22 दिसंबर 1910 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में पता चला जो अपने पिता से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जो एक पुलिस अधिकारी थे। अपनी शादी की विफलता के बाद वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चली गई, जहां वह ब्रिटिश विरोधी ताकतों से परिचित हो गई। इसने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ देश को आजाद कराने के लिए लड़ने का फैसला किया। उन्हें ब्रिटिश सरकार के गुस्से का सामना करना पड़ा क्योंकि वह कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनके कृत्यों की आलोचना कर रही थी। फिर वह भारत लौट आई और 1935 में लखनऊ के करामत हुसैन महिला कॉलेज के व्याख्याता के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के गठन में प्रसिद्ध कवि सज्जाद जाहिर के साथ भी काम किया। उन्होंने 1935 में एक राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर जैनुल आबिदीन अहमद से शादी की और उसी वर्ष दोनों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सदस्यता ले ली। चूंकि ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए पुलिस उनके पीछे थी, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और खुद को पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों में भाग लेते हुए हाजरा बेगम ने पुलिस की जानकारी के बिना कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी अभियान चलाया। उन्होंने उन दिनों चुनाव प्रचार में भी सक्रिय रूप से भाग लिया और इसके परिणाम स्वरूप कई कांग्रेसी नेता निर्वाचित हुए। वह 1937 में आंध्र प्रदेश के कोथापट्टनम में एक गुप्त राजनीतिक कार्यशाला में शामिल हुई। वह मेहनतकश लोगों और महिलाओं के हलकों में हाजरा आपा के रूप में बहुत लोकप्रिय हुई। सोवियत संघ ने 1960 में लेनिन की जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर लोगों के लिए उनके काम को मान्यता देने के लिए उन्हें सुप्रीम सोवियत जुबली अवार्ड से सम्मानित किया। हाजरा बेगम जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया ने 20 जनवरी 2003 को अंतिम सांस ली। तो दोस्तों, ये थी भारत की 4 मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया और देश को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। इनके अलावा और भी कई लोगों का इस देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हिंदी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।